सभी को नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? तो आज का हमारा टॉपिक है अभी एक एक नियम सवाल करेंगे हम। अगर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं भाई हम किस स्टेटमेंट पे गाय लगाए। भाई 4 किलोग्राम दे रखे हैं, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपए है, तो 9 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करो। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि 12 कॉपियों का मूल्य 108 रुपए है, तो 1 कॉपी का मूल्य हमें निकालना है। तो किसी न किसी एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट जरूर करना भी आपको वीडियो कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर करना, तो अच्छी नहीं लगती तो भी आप कमेंट करना भाई वीडियो के अंदर क्या कमी है तो उसको हम सुधार कर सके। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें दिया 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपए है, तो 9 किलोग्राम चावल का मूल्य हमें निकालना है। भाई पहले 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपए है, तो 9 किलोग्राम चावल का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे हम, मैं हल लिखेंगे, तो इसमें लिखाएंगे हम 4 किलोग्राम चावल का मूल्य, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना दिया गया है, 68 रुपए दिया गया है, 68 रुपए दिया गया है। अब देखो हमें 1 किलोग्राम चावल खरीदना है। पहले इसके अंदर क्या था, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपए दिया गया है। अब हम 1 किलोग्राम का निकालेंगे। भाई 4 किलोग्राम का हम 68 रुपए देते हैं, यहाँ समझने की बात है। इसके अंदर भाई 4 किलोग्राम चावल का मूल्य हम 68 रुपए देते हैं। अगर हम 1 किलो खरीदते हैं तो उसके कम रुपए देंगे या ज्यादा देंगे? अगर कम देते हैं किसी वस्तु का मूल्य, पहले ज्यादा है कम, फिर बाद में कम देते हैं, तो हम भाग में रखते हैं, डिवाइड करेंगे उसको हम। अगर पहले 1 का दिया गया है फिर हम ज्यादा का निकालते हैं तो वहां उसको हम गुणा करेंगे, मल्टी में रखेंगे। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, इसको हम जैसे पहले 4 पर दिया गया है, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपए दिया गया, आपको समझने की बात है। तो अगर आप यहाँ समझ जाते हैं तो आगे आसान सवाल, किसी भी सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। भाई 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपए दिया गया, फिर हम 1 किलोग्राम का निकालेंगे हम। इसके अंदर 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 68/4। तो इसको हम क्या करेंगे, कम रुपए देंगे, कम हो तो क्या करेंगे हम इसको भाग करेंगे, कम हो तो क्या करेंगे हम इसे भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो इसमें यहाँ करेंगे 4 × 1 = 4, 2 × 4 = 7, 28। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आया, 17 रुपए। 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आया इसमें, 17 रुपए। आगे फिर कितना खरीदा हमने, 9 किलोग्राम चावल, तो 9 के साथ इसके हम गुना कर देंगे। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 1 किलोग्राम या 9 इसके है 9 का है, तो 9 किलोग्राम का लगाएंगे। 9 किलोग्राम चावल का मूल्य, 9 किलोग्राम चावल का मूल्य, तो 9 किलोग्राम चावल का मूल्य इसमें कितना है, इसकी गुना कर देंगे हम 17 × 9, 17 का पारा हम 9 लग पड़ेंगे, 17 × 153, 17 × 153 रुपए आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं। भाई अगर पहले ज्यादा का दिया है फिर हमें 1 का निकालना है तो भाग में रखना आप यहाँ, फिर हमें ज्यादा का निकालना तो हम यहाँ क्या करिए, हमने इसके अंदर गुणा किए। तो चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 12 कॉपियों का मूल्य 108 रुपए है, तो 1 कॉपी का मूल्य बताओ। 12 कॉपियों का मूल्य 108 रुपए है, तो यहाँ लिखेंगे हम इसमें हल, आपके सभी जो कंफ्यूजन है वो सभी दूर करेंगे हम। इसमें लिखेंगे हम 12 कॉपियों का मूल्य, 12 कॉपियों का मूल्य कितना दिया गया है, 108 रुपए दिया गया है। अब देखो यहाँ उसी तरह है, सिर्फ हमें 1 का निकालना है इसके अंदर, 1 कॉपी का मूल्य निकालना है। 1 कॉपी का मूल्य हम कितना देंगे, तो 1 कॉपी का निकालेंगे हम, तो 1 कॉपी का मूल्य, 1 कॉपी का मूल्य कितना होगा इसके अंदर, 1 कॉपी का मूल्य, तो इसके अंदर कम होगा, तो कम हो तो क्या करेंगे, कम हो तो इसको हम भाग कर देते हैं, 108 बटे इसको हम किससे भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे, 108 को हम 12 से भाग करेंगे। 12 का पारा हम कहां लग पड़ेंगे, 9 लग पड़ेंगे, 12 का पारा हम 9 लग पड़ेंगे, 12 × 108 रुपए, 12 × 108 रुपए। तो 1 कॉपी का मूल्य कितना आया, 9 रुपए, कितना आया इसमें, 9 रुपए। तो 1 कॉपी का मूल्य इसके अंदर 9 रुपए है, और यहाँ देखो 9 किलोग्राम चावल का मूल्य 153, क्योंकि हमें इसमें आगे नहीं निकालना, सिर्फ 1 कॉपी का ही मूल्य निकालना। अगर इससे आगे निकालना तो उसके साथ भाई हमने कितनी कॉपी खरीदी, 10 कॉपी खरीदी, 5 कॉपी खरीदी, 15 कॉपी खरीदी, तो उसके साथ हम 9 की इसमें गुणा कर देते, तो आंसर हमारा वही आता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर जरूर करना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।
जय जवाहर। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।